प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम से बीजेपी प्रत्याशी राहुल फाजुलपुरिया के समर्थन में गुरुग्राम में जनसभा का आयोजन हुआ। इस जनसभा में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने राहुल फाजुलपुरिया के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। वहीं जेजेपी प्रत्याशी राहुल फाजुलपुरिया ने भी लोगों से अपने समर्थन में ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की। आज राहुल के साथ जुड़ रही है, मैं तो सबसे निवेदन करता हूं, मैं आज 36 का हूं, ये 30 का है। अगर आप साथ असलियत में देना चाहते हो, आज 50 साल से नीचे लगभग 65% वोटर है। आज युवा खड़े भी हो गए और युवाओं ने आवाज बना ली अपने आप को राहुल की, तो साथियों फाजिलपुर से लेकर और रोज का मे होते हुए जिरका तक, चाहे मानेसर होते हुए बावल तक, एक परिवर्तन 24-48 घंटे में ऐसा कर दोगे कि 25 तारीख को जब बटन दबेगा तो चाबी का बटन नीला हुआ मिलेगा और राहुल एक तरफा गुड़गांव से चुनाव जीत रहा है। मेरी तो विनती प्रार्थना आपसे है कि इस लड़ाई के अंदर अब आपका सहयोग और समर्थन चाहिए। समय कम, ये युवा नौजवान आज आपके भरोसे लड़ाई लड़ रहा है, इसका हौसला रखना और इस लड़ाई के अंदर इसका भरपूर साथ देना कि आगे युवाओं में जज्बा बढ़े, युवा परिवर्तन की लौ लिखने का काम करे। साथियों, ये पुराने ग्रामोफोन को हटाकर नए जमाने के म्यूजिक सिस्टम बनने का टाइम आ गया, आज परिवर्तन लिखने का समय आ चुका। मैं तो सभी गुड़गांव वासियों से ये आग्रह करूंगा कि इस लड़ाई के अंदर अपना एक एक कीमती वोट राहुल फाजिलपुरिया को चाबी का बटन दबाकर ऐतिहासिक मतों से अपना सांसद चुनने का काम करे। मैं तो आप सब आए और मैं ये सारी हमारी युवा की टीम, किशन सज्जन ये सारे बैठे हैं। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई है तो 25 तारीख को 6:30 बजे बूथ में आने की, और 6:30 बजे से शाम को 6 बजे तक, बल्कि 6:30 बजे तक ये 12 घंटे की ड्यूटी निभा दोगे, मॉक पोल सही ढंग से हो जाए। मॉक पोल के बाद आपके पोलिंग काउंटिंग और लास्ट क्या जब सीलिंग हो जाए, जब तक के हस्ताक्षर साइन कर सील लगाकर मशीन पर चले गए तो आधा चुनाव उसी दिन जीत लिखने का काम करोगे। वोटों के लिए गिड़गिड़ा भी रहे, अगर आप लोग इसी तरह संघर्ष करते रहे, इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे, इसी तरह बदलाव के लिए, अपने हक के लिए आवाज उठाते रहे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं गली गली आएंगे, गांव गांव आएंगे, आपके घर भी आएंगे, आज से डोर टू डोर भी करेंगे और आप लोगों के बीच में आके नतमस्तक भी हो। क्या मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी माताएं बहने बैठे, मैं तो पूछना चाहूंगा आप लोगों से, ये सब्जी वाले से तो आप 5 रुपए के पीछे लड़ पड़ते हो कि भाई 5 रुपए सब्जी महंगी दे दी। अगर कोई सब्जी खरीद रहे हैं, फल खरीद रहे हैं, तो कटवा के टेस्ट भी करते हो कि भाई मीठा है कि नहीं, करते हैं कि नहीं करते हैं। पर जब अपने बच्चों का भविष्य सुनना है, जब हम क्यों भूल जाते हैं कि हम जिसे चुनने जा रहे हैं, जिसे वोट करने जा रहे हैं, कि हमारे बच्चे का भविष्य के लिए क्या करेगा, वो स्कूल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, अस्पताल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, वो सुख सुविधाएं देगा कि नहीं देगा। आज जिस गुड़गांव में हम बैठे हैं, कहते हैं कि दुबई जैसा दिखता है, बताइए वो साथियों दिखता है? और जो दिखता है वो मैं बताना चाहूंगा कि वो बिल्डरों का बनाया हुआ है, सरकार का उसके अंदर कोई योगदान नहीं है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखती है, मेट्रो दिखती है, रोड दिखता है, अंडरपास दिखता है, फ्लाईओवर दिखते हैं, बिल्डरों का बनाया हुआ है। अगर सरकार का बनाया हुआ गुड़गांव देखना है तो जहां हम खड़े हैं इसे देखें। आज क्षमता के गिर दिया, जहां पे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, गांव के आगे, कॉलोनियों के आगे कूड़ों के ढेर लगा दिए गए हैं, डंपयार्ड बना दिए गए, जिनके अंदर आग लगा के छोड़ देते हैं, महीने महीने तक पॉल्यूशन चलता है,
जिसे बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, टीबी जैसी, कैंसर जैसी, अस्थमा जैसी। और बताना चाहूंगा कि जो एमसीजी है गुड़गांव की, 500 करोड़ का बजट होता है इस साफ सफाई का। मतलब पूछना चाहूंगा कि बजट ही साफ कर दिया, साफ सफाई तो कहीं हुई नहीं। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।